गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड जय माता दी। मैं नहा लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ और गली में एक्चुअली ना एक शादी है भाई जो हो चुकी है, तो अभी शायद कुछ हल्का फुल्का फंक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो वहीं पे ये प्ले हो रहा है, जो म्यूज़िक हो रहा है ना वो बजाने वाले कलाकार आए हुए हैं कुछ। तो खैर आज जाना है गाँव में, पूजा करनी है, पितरों पर चलना है, मथा टेकने खेत में, तो मज़ा आएगा वहाँ पर चलेंगे बहुत दिनों बाद फाइनली। तो भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, चलो। ये देखो भाई शादी की गाड़ियाँ, पूरी गली हो गई है जाम, ये जा रही हैं जहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो रहा था ना अभी, तो हम भी इसके पीछे हैं भाई अपनी स्कूटी पे। तरफ है ये डांस ग्रुप जो अभी गाना वाना बजा रहे थे ना, प्ले कर रहे थे। तो ये देखो यार बढ़िया ड्रेसेस में अच्छे लग रहे हैं, एकदम पंजाबी ड्रेस, पंजाबी कलाकार यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। तो गाइज मैं आया हूँ यहाँ पे सरस्वती मंदिर में जो घर के ही पास है। एक्चुअली आज पिंडदान करवाते हैं हम लोग पितरों के लिए, तो इसलिए गांव में भी जाना है पितरों पर माथा टेकने, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप देखो सब लोग पिंडदान करवा रहे हैं अपने पितरों की शांति के लिए, यू नो। ये देखो कितनी भीड़, आप वहाँ देखो वो देखो, तो इसलिए मैं भी वो करवाने आया हूँ, तो लेट्स गो फॉर इट। तो वैसे इस तरीके से होती हैं कुछ चीज़ें, कोई अलग अलग तरीके से पूजा करवाते हैं यहाँ पे सब लोग। और ये देखो आप यहाँ पे तेल वगैरह चढ़ाना होता है, स्वामी कार्तिक जी का मंदिर भी है जो लास्ट के कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था। और ये है जी प्रेत पीपल, यहाँ पे पानी चढ़ाते हैं लोग अपने पितरों की, पूर्वजों की आत्मा की शांति के। लो जी फाइनली आ गए हैं गाँव में, और भाई हरियाली अपने आप मज़ा दे रही है देखते ही। ये देखो पूरी ग्रीनरी है, और ये है सरसों येलो 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 जो कि आप अक्सर फिल्मों में देखते हैं, तो अब रियलिटी में अपने पास है। ये देखो यार ये कितने सुंदर फूल हैं इसके ना। तो खैर मम्मी आगे चल रहे हैं, वो रहे सामने, और यार अलग मज़ा आता है ना जब ऐसी जगह पे आते हैं, और फील अलग ही आ जाती है, एनर्जी चेंज होती थी, हवा की क्वालिटी चेंज हो जाती है। और आपको पता ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं हमारे फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ पे, हमारी वेलनेस पे, कि जितना ज़्यादा हम ग्रीन चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं एज़ वेल एज़ नेचर और ग्रीनरी के अगर हम करीब रहते हैं ना, तो अपने आप ही ना आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाती है, आपको फील अच्छा आने लग जाता है, और जो कि ना आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करता है एज़ वेल एज़ मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। इसलिए तो समटाइम्स आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि लोग कुछ लोग ना स्पेशल जाते हैं मेडिटेट करने, मेडिटेशन करने, योगा करने ऋषिकेश जैसी जगह पे, पहाड़ों के बीच में, नदी के किनारे, कि जहाँ पे एक्चुअली में ना वो नेचर की फील जो टच है वो उनको आ सके। और ये देखो यार कितना मज़ा आ रहा है ना, ट्यूबवेल है अपना इधर, पेड़ खेतों के बीच में, सामने अपने पितरों का स्थान है, और उधर अगेन कुछ येलो फ्लावर्स की खेती की गई है। और ये देखो आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं। और ये देखो थोड़ी थोड़ी ना ओस गिरी हुई है यार इस पर, ये आप बूंदे आपको नज़र आ जाएंगी, ये देखो। तो ये अपने आप ही, और एक कितना सुंदर फूल है ये वाला, और एक ये देखो, वो देखो मम्मी करा रहे हैं स्नान। ये है अपने पितरों पर जो पेड़ है, ये आम का पेड़ है, वो इधर पीपल है। तो चलो जी, ये बहुत बेकार बंदा है, ये बहुत शरारती है, पिटने वाला हो रहा है ये, आ जा इधर। तो पितरों का स्नान कराया जा रहा है अभी इधर, जय हो पितरों की, जय हो पितृ महाराज की जय, जय हो ब्रह्मा विष्णु महेश, जय हो अमेजिंग। लो जी देखो सामने जो पेड़ नजर आना है यार कितना सुंदर है ना, ये देखना ऐसा लगता है कितना वेल मेंटेन्ड है, मतलब इसको टाइम दे के बनाया गया है, ऐसा फील होता है। प्रॉपर शेप देखो इसकी, और कितना फैला हुआ है ना ये, और नीचे इसकी जड़ें भी कितनी मजबूत हैं, और बंदर गुलाटियां मार रहे हैं यार, कितना मस्त लग रहा है ना, जैसा कई बार देखते हैं ना हम लोग फिल्मों में शूटिंग वूटिंग में, ऐसे ही पेड़ नज़र आते हैं। और इधर यार कुछ बंदर हैं जो कि मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर, और मम्मी गए मैं मंदिर में अंदर माथा टेकने। तो खैर मैं हूँ यहाँ, और एक बज चुका है, तो जल्दी चलते हैं घर क्योंकि ऑफिस का भी कुछ काम है।
और फिर कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं क्या लेना ये जी। मज़ा आ गया गांव में जाके, तो शायद परसों दोबारा जाना हो तो फिर गांव का फिर आपको कुछ नज़ारा दिखाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे धूप ज़्यादा है नहीं और आसमान में कुछ पक्षी घूम रहे हैं इधर उधर, लेकिन हाँ कंट्रास्ट अच्छा बना हुआ है जो ये देखो, ये मस्ती हो रही है इनकी। और ये हैं भाई उपले, आपको पता ही है गाँव में ना गोसे बोले जाते हैं, तो जो भी गोबर होता है गाय या भैंस का तो उससे ना उपले बनाए जाते हैं प्रॉपर, तो फिर बाद में ना इनको चूल्हे में यूज़ किया जाता है, जलने के काम आते हैं ये। तो ये है जी टेक्नोलॉजी। देखो भाई इस गांव की मस्ती क्या हो रही है, वो देखो वो भाई आगे रिक्शा है जिसमें घास वास ले गया था, और ये भाई पीछे से बाइक से उसको पुश कर रहा है। अबे भाई का आगे लगाने के बजाय पीछे से पुश कर रहा है, मतलब ये बच्चे मस्ती करते रहते हैं उल्टे सीधे काम ना। ये है भाई गांव में कुछ ना कुछ देखो पंगेबाजी होती रहती है। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे यार, लेकिन मैं बता रही हूँ ठंड बहुत है बाबू, डबल डबल टोपी पहन के भी ठंड आपको एहसास करवा देगी कि तुम उससे नहीं बच सकते। एंड थैंक गॉड ग्लव्स का कि भाई मेरे हाथ ठीक हैं, अभी अभी उतारे मैंने ग्लव्स। और लेकिन सच में ठंड है काफ़ी ज़बरदस्त वाली, और मज़ा आ गया स्कूटी चला के, पता लग गया भाई साहब कितनी जवानी है कितना दम है। खैर ये हो गया है, घर हो गए हैं पहुँच। और यार फिलहाल गली में ना आज बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऐसा हाल हो गया, थोड़ा गीला वीला हो गया सब कुछ ना, आई डोंट नो आपके साइड बारिश हुई है नहीं हुई है। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर, लेट्स गो। हाँ जी तो हो गई है शाम यार, ऑफिस का बड़ा काम था, एक्टिक शेड्यूल था काफ़ी। और इधर देखो बच्चा पार्टी खेल रही है यार शाम को ना क्रिकेट, ये पीछे वाले खेतों में, तो ये देखो मज़े हो रहे हैं खूब इनके, क्रिकेट खेल रहे हैं या ये पता नहीं क्या आसमानी गोला टाइप कुछ होता है, तो वो कुछ खेल रहे हैं। और भाई ठंड है ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी है, ज़्यादा ठंड नहीं है। ओके तो टाइम हो गया है अपना एक्सरसाइज करने का, और एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा सा, वर्कआउट बड़ा ज़रूरी है यार, बहुत दिन हो गए ठीक है ना, ये करते हैं। और चल लेकिन सिस्टर की बेटी आई हुई है तो भाई छोटी सी है वो छत पे जाती है यहाँ पे, इस तरफ देखना। चल 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 आगे चल चलो 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 बच्चों, चलो जी ठीक है चलो एक्सरसाइज करते हैं फिर डिनर पे मिलते हैं। और आसमान है खूबसूरत सुंदर एकदम बढ़िया। तो जी सबको गुड नाइट, और यार अभी म्यूज़िक प्ले हो रहा है, जो शादी थी सुबह आपने देखा था, तो वहाँ पे रात को कुछ उनका फंक्शन है खुद, तो पंजाबी गाने चल रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आ भी रहा होगा सुनाई दे रहा होगा। और मुझे करना है यार कुछ ऑफिस का काम, तो अभी बाहर गया था तो कुछ अभी इसलिए लेट हो गया। तो फिलहाल अभी बज गए हैं 10, पता नहीं 11 बज चुके हैं, 10 से 11 के बीच में टाइम हो चुका है, 10:45 समथिंग। तो खैर सोते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय।